हेलो स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी ने एक फिर से नया लिंक जनरेट किया है सीबीटी 1 का रिजल्ट और स्कोर कार्ड चेक करने के लिए। पिछली बार जब हम लोग स्कोर कार्ड चेक कर रहे थे तो बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि उन्होंने कई सारे पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भर रखे थे बट उनको रिजल्ट में वैसा शो नहीं कर रहा था। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर रहा था। तो हो सकता है इन्हीं सारे रीजनों की वजह से आरआरबी ने फिर से नया स्कोर कार्ड का लिंक जनरेट किया है और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने परिवर्तन किए। अभी आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, धीरे धीरे बाकी सारे आरआरबीज पे भी ये दिखने लगेगा। और ये जो लिंक है ये कॉमन है, आप चाहे किसी भी जोन से हो और किसी भी जोन का आप ओपन करके लिंक चेक करोगे तो आप अपना स्कोर वहां पे चेक कर सकते हो। थोड़े से मॉडिफिकेशन है, थोड़े से चेंजेस हैं पिछले बार के रिजल्ट के कंपैरिजन में इस बार के रिजल्ट में। तो चलिए फटाफट हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं। तो आज डेट हमारी है 19 तारीख, इन लोगों ने 19 तारीख को नया लिंक जारी किया है एनटीपीसी, अपडेटेड लिंक फॉर व्यूइंग स्कोर कार्ड एंड चेक लेवल वाइज एलिजिबिलिटी फॉर सीबीटी 2। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट है तो हिंदी में भी देखिए इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके का आपका लॉगिन के लिए आ जाएगा। जब हम लोग आंसर की डाउनलोड करते हैं तो इसी तरीके का लॉगिन आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर स्वागत है भाई। चलो अच्छी बात है, स्वागत हो गया। चलो मेरे पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं डालता हूँ इसमें और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, 1311086307 और डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1998। बस आप एक मिनट वेट करिए, मैं आपको रिजल्ट में क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या चेंजेस है वो सारी चीजें आपको दिखाता हूं। मैं ये डेटा फिल कर रहा हूं जिससे आप धीरे धीरे सारी चीजें देख पाएंगे स्क्रीन पे। ये देखिए यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और सारी चीजें आ गई हैं। अब यहाँ पे आप देखिए परिवर्तन क्या क्या हुआ है, तीन चीजें आ गई हैं। सबसे पहला तो ये कैंडिडेट डिटेल है जो कि लिखा हुआ है, दूसरा ये कैंडिडेट रिस्पांस जो हमारी आंसर की होती है तो उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल आंसर की आ गई है तो आप वो यहां से निकाल सकते हो। कैंडिडेट रिस्पांस है, यहां पर देखिए लिखा है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम क्लिक हेयर टू जनरेट इट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपका पीडीएफ आंसर की डाउनलोड हो जाएगा, अभी हम लोग उसको दिखाएंगे। और ये लास्ट पे है यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड। तो जो हम लोग पिछली बार स्कोर कार्ड देख रहे थे उसका लिंक अलग तरीके से वर्क कर रहा था और वहां पर हम लोग स्कोर कार्ड देख रहे थे और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको जो अपना स्कोर कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा था। तो अब की बार क्या है कि स्कोर कार्ड प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, आप देख लो आराम से, मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि सब कुछ आसानी से दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन टू आरआरबी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुए, जो पिछली बार आपका रिजल्ट आया था और जो इस बार रिजल्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सारी भर रखी थी, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सारी भर रखी थी लेकिन वो उनके रिजल्ट में जो उनका स्कोर कार्ड का लिंक था जिसके थ्रू वो देख रहे थे रिजल्ट, उसमें सारे के सारे वो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं आ रहे थे। इवन तो मेरे पास कई सारे बच्चों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजा था कि ये देखिए सर एप्लीकेशन फॉर्म में मेरे सारे पोस्ट प्रेफरेंसेस हैं बट जो फाइनल वहां पे हमारा स्कोर कार्ड शो कर रहा है वहां पे वो प्रेफरेंसेस है ही नहीं। तो उन बच्चों ने क्या किया था कि आरआरबी को मेल डाले थे करेक्शन के लिए, तो हो सकता है उन्हीं मेल्स की वजह से आरआरबी ने ये नया रिवाइज स्कोर कार्ड के लिए लिंक जनरेट किया और इसमें कई सारे चेंजेस किए। सबसे पहला तो ये चेंज है कि जिसमें जो भी बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस डाल रखी है वो सभी अब पूरा का पूरा आपको विजिबल होगा, जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाल रखी है एज पर एप्लीकेशन फॉर्म वही आपको यहां पर दिखेगा। और भी चेंजेस हैं, जैसे पिछली बार हमारे पास में इतना सारा डेटा शो नहीं कर रहा था, पिछली बार सीधे हमें यह दिखा रहा था कि कितना नॉर्मलाइज स्कोर है और किन किन पोस्टों के लिए हम लोग सिलेक्ट हुए, लेकिन अब की बार क्या है कि सारी चीजें दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, कितने क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए, तीन क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए, मतलब इसमें तीन आंसर ऐसे थे जो क्वेश्चन थे गलत थे तो तीन हटा दिए गए, बचे कितने 97।
नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 90, सारा डिटेल है इसमें। इसमें से सही कितने हुए हैं 64, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड इनकरेक्टली कितने गलत किए 23, आपका रो स्कोर कितना है और प्रोरेटेड, ये जो आपका भाई तीन क्वेश्चन हटा दिएगा इसके बेस पे स्कोर कितना है इतना है, और नॉर्मलाइज स्कोर कितना है इतना है। अब देखिए पिछली बार ऐसा था कि जो भी अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे थे लेवल 2, 3, 4, 5, 6 उनके लिए सिर्फ एक ही लाइन लिख दिया गया था नॉट क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज। बट अब की क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये किसी भी लेवल के लिए क्वालिफाई नहीं है, बट यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि नॉट क्वालिफाई फॉर सीबीटी टू एग्जाम, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि लेवल 2 के लिए भी आपने क्वालिफाई नहीं किया, लेवल 3 के लिए भी नहीं, लेवल 5 के लिए भी नहीं, लेवल 6 के लिए भी नहीं, और एनए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, जैसे लेवल 4 अलाहाबाद जोन में है ही नहीं तो एनए लिखा हुआ है, जहां पे एनए लिखा हुआ मतलब वो उस जोन में एप्लीकेबल ही नहीं है, वो सीट एप्लीकेबल ही नहीं, वो लेवल एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट में ये सारे चेंजेस हैं, तो जिन भी बच्चों ने अपना रिजल्ट एक बार ऑलरेडी देख रखा है मैं उन सभी स्टूडेंट को बोलूंगा कि एक बार अपना आप लोग रिजल्ट फिर से चेक कर लें। अगर आरआरबी ने नया रिजल्ट निकाला है तो हो सकता है आपके लिए भी कुछ चेंजेस हो सकता है कई सारे बच्चों के साथ में ऐसा भी प्रॉब्लम था कि जैसे वो कैटेगरी से हैं, उन्होंने फॉर्म में कैटेगरी फिल कर रखी है, लेकिन फाइनल जब उनका स्कोर आया है तो उसमें उनकी कैटेगरी के हिसाब से वो क्वालिफाई होने चाहिए बट वो क्वालिफाई नहीं थे, तो हो सकता है उन बच्चों का भी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गया होगा, क्योंकि उन सभी बच्चों से मैंने बोला था, उनको गाइड किया था कि आप आरआरबी को मेल डालो और वो लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे या करेक्ट करके उसको भेजेंगे। तो हो सकता है इन्हीं सारी चीजों की वजह से आरआरबी ने ये सारा का सारा जो रिवाइज स्कोर कार्ड का लिंक है वो शेयर किया है, जनरेट किया है, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके जिन बच्चों को अपने लिंक में या रिजल्ट में प्रॉब्लम हो रहा था। तो उम्मीद है कि सभी लोग आप लोग अपना रिजल्ट देखोगे, और जो भी बच्चे हैं जिन भी बच्चों के पास साथ में प्रॉब्लम था आप चेक करो कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है कि नहीं हो गया है, और अगर फिर भी किसी बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं हुआ है तो फटाफट भाई कमेंट करके बताना इस वीडियो में कि क्या इशू अभी भी आपके साथ में बाकी है, उसको हमारी टीम यहाँ पे चेक करेगी और फिर आपको जस्टिफाई करेगी या बताएगी कि वो चीज़ सही है या गलत है, और फिर आगे आपको क्या करना चाहिए वो भी हमारी टीम आपको बता देगी, ठीक है। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही, फटाफट भाई सभी लोग अपना जिनका भी स्कोर कार्ड पहले भी चेक कर चुके हो फिर से एक बार भाई नया लिंक आया है तो आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। और जैसे अभी ये चंडीगढ़ का है लेकिन अभी मैंने जो चेक किया है वो अलाहाबाद का रोल नंबर था, अभी आप देखिए यहाँ पे जो जोन है वो कौन सा है, अलाहाबाद, और हम लोगों ने वेबसाइट कौन सी खोली थी, चंडीगढ़ की खोली, तो आप चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाके अलाहाबाद का भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही, बाकी और भी जो भी अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन अगर आरआरबी की तरफ से आता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर करूंगा।